अहम खबर देंगे आपको। वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत के लिए वफाकी वज़रा की गवर्नर हाउस आमद के बायस मॉल रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त वहां पर लग चुकी हैं। इस हवाले से एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद की जानिब। जुबैर बताएगा कि अपडेट से इस हवाले से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले से ही क्यों कोई प्लान नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल, जैसी वफाकी वज़रा की जो गाड़ियां हैं माल रोड पर जो एंटर हुई गवर्नर हाउस की तरफ जाने लगी तो माल रोड की तवील जो है कतारें गाड़ियों की देखने को मिली। उस वक्त जो है सारे ट्रैफिक पुलिस अहलकार जो हैं एक्टिव हुए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है सारी ट्रैफिक को कंट्रोल किया। सिर्फ आवाम की शहरियों की गाड़ियाँ नहीं बल्कि जो दूसरी गाड़ियाँ थी वज़रा की गाड़ियाँ वो भी उस लंबी कतारों में फंस गई। तकरीबन आधे घंटे का यह प्रोसेस जारी रहा जिस दौरान जो है ट्रैफिक वार्डन जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे। सारी जो जब जो ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी तो उसके बाद जो है इस ट्रैफिक को जो है बैरियर लगाकर अलहमरा वाले जो सिग्नल है वहां पे ट्रैफिक को रोका गया, जिसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद जो सारा एरिया को क्लियर करवाया गया। लेकिन जैसे ही वाकई वज़रा की गाड़ियां गवर्नर हाउस की जानिब जो कनाल रोड से माल रोड शाहरा की तरफ आई तो वहां पर एक लंबी तवील कतारें गाड़ियों को देखने को मिली। जो वज़रा की गाड़ियां थी वो भी उस लाइन में फंसी रही। वहां पर जो सिक्योरिटी अहलकार थे वो अपनी मददाद के तहत जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वो वायरलेस करके जो है गाड़ियों को आस्ता आस्ता निकाल गए, लेकिन हमें वार्डन हजरात जो हैं उस गवर्नर हाउस सिग्नल पर बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। उस वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत की वजह से हम देख रहे हैं कि मॉल रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम हो चुका है, गाड़ियों की तवील कतारें लगी। जुबैर साजिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।